सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रिव्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हिंदी टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम करेंगे स्पीड टेस्ट कंपैरिजन Vivo Z1 Pro और Samsung Galaxy M30s के बीच। दोस्तों यहाँ पे दोनों ही फोन्स में हमें मिलता है 4GB का रैम, पर Z1 Pro में है Snapdragon 712, जहाँ पर Galaxy M30s में हमें मिलता है Exynos 9611 चिपसेट। वैसे दोनों ही फोन्स आपको मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में मिल जाएगा, तो चलिए अभी दोनों में स्पीड टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों फोन्स में से परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन सा है बेटर। ओके, तो हम टेस्ट को स्टार्ट करेंगे दोनों फोन्स की बूटिंग टेस्ट से। तो पहले चले जाते हैं दोनों फ़ोन की बूटिंग स्क्रीन पे और हम दोनों ही फ़ोन को एकदम सेम टाइम पे रिस्टार्ट करेंगे इन 3, 2, 1 गो। ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन अभी रिस्टार्ट हो रहा है, तो अभी देख लेते हैं कि कौन सा फ़ोन पहले रिस्टार्ट होता है, Vivo Z1 Pro या फिर Samsung Galaxy M30s। ऑलराइट, तो जैसे हमने देखा कि M30s पहले बूट हो गया, जिसके ठीक एक सेकंड के अंदर Z1 Pro भी बूट होके आ गया। और दोस्तों दूसरे स्पीड टेस्ट की तरह आज भी हमारे पास है कुछ डेली यूजिंग और सोशल एप्स, जैसे फ़ोन कैमरा, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, गूगल मैप्स, एडोबी प्रीमियर क्लिप, जिसमें हम दोनों फ़ोन की GPU रेंडरिंग स्पीड चेक करेंगे, शॉपिंग ऐप्स जैसे Amazon और Flipkart, एक लाइटवेट गेम सबवे सर्फर्स, दो हैवी गेम्स PUBG और Asphalt, और उसके साथ है हमारा क्लॉक ऐप जिसमें हम पूरे टेस्ट के टाइम स्टॉपवॉच को चला के रखेंगे दोनों ही फ़ोन में। और टेस्ट शुरू करने से पहले जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, दोनों में ही लोकेशन या फिर GPS जो है वो ऑन है, और दोनों फ़ोन की बैकग्राउंड मेमोरी में कोई भी एप्लीकेशंस रनिंग नहीं है। ऑलराइट, तो ना हम दोनों फ़ोन में हमारा स्पीड टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लॉक ऐप से और दोनों में ही स्टॉपवॉच को चला लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है फोन ऐप, और दोस्तों फोन ऐप ऑलमोस्ट सेम टाइम पे लोड हुआ दोनों फोन में। नेक्स्ट है कैमरा, कैमरा ऐप पहले लोड हुआ Galaxy M30s में, पर जैसे आपने देखा दोनों फोन की कैमरा ऐप लोडिंग टाइम में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो वापस चले जाते हैं होम स्क्रीन में और चला लेते हैं ट्विटर। ओके, ट्विटर भी ऑलमोस्ट एकदम सेम टाइम पे लोड हुआ दोनों फोन में। नेक्स्ट चलते इंस्टाग्राम में। ओके, इंस्टाग्राम पहले लोड हो गया Z1 Pro में, जहां पर एक दो सेकंड के अंदर M30s ने भी लोड कर लिया इंस्टाग्राम की होम पेज। तो चले जाते हैं वापस होम स्क्रीन में और चला लेते हैं फेसबुक। ओके, तो फेसबुक काफी हद तक सिमिलर है, पर M30s में हाफ अ सेकेंड पहले लोड हुआ फेसबुक ऐप। ओके, नेक्स्ट है गूगल मैप्स। दोस्तों मैप्स दोनों ही फोन में ऑलमोस्ट सेम टाइम पे लोड हुआ, पर जैसे हमने देखा थोड़ा पहले लोड हुआ Z1 Pro में, दोनों ही फोन में मैप लोड होने के तुरंत बाद आ गया हमारा एग्जैक्ट लोकेशन। तो वापस चले जाते हैं होम स्क्रीन में और चला लेते हैं प्रीमियर क्लिप। और दोस्तों प्रीमियर क्लिप में हम दोनों ही फोन में सेम 1 मिनट की क्लिप को इम्पोर्ट कर लेंगे। ओके, क्लिप इम्पोर्ट हो जाने के बाद दोनों ही फोन में क्लिप सेटिंग्स में चले जाएंगे और यहाँ से दोनों ही क्लिप को हम 50% स्लोअर कर देंगे। ओके, नाउ यहाँ से बैक करके शेयर पे टैप करके सिलेक्ट कर लेते हैं सेव टू गैलरी और 1080p को सिलेक्ट करके दोनों ही फोन में हम GPU रेंडरिंग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू पे टैप करके इन 3, 2, 1 गो। ऑलराइट, तो जैसे आप देख सकते हैं कि रेंडरिंग स्टार्ट हो गया है दोनों ही फोन में, और ना हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, पर आप ऊपर स्टॉपवॉच में देख पाएंगे दोनों फोन की एग्जैक्ट रेंडरिंग टाइम। दोस्तों जैसे आपने देखा Z1 Pro में पहले खत्म हो गया है हमारा रेंडरिंग टेस्ट, और अभी भी रेंडरिंग चल रहा है Galaxy M30s में। तो अभी देख लेते हैं कि M30s को कितना टाइम एक्स्ट्रा लगता है रेंडरिंग टेस्ट को कंप्लीट करने में। ऑलराइट, तो फाइनली M30s ने भी कंप्लीट कर लिया हमारा रेंडरिंग टेस्ट। तो यहां से डायरेक्टली होम बटन पे टैप करके चले जाएंगे होम स्क्रीन में और कंटिन्यू करेंगे हमारा स्पीड टेस्ट सबवे सर्फर्स को चला के।
दोस्तों सबवे सर्फर्स दोनों ही फोन में एकदम सेम टाइम पे लोड हो गया। तो एक मैच चला के डायरेक्टली होम बटन पे टैप कर देंगे, गेम को बैकग्राउंड में पॉज रख के, और ना हम चले जाएंगे पबजी में और पबजी को यहाँ से चला लेते हैं इन 3, 2, 1। ओके, तो अभी देख लेते हैं कि कौन से फोन में पहले आता है पबजी का मेन मेन्यू। ओके, तो Z1 Pro ने पहले लोड कर लिया पबजी को, और एक दो सेकंड के अंदर M30S ने भी लोड कर लिया पबजी। तो नाउ यहाँ से हम डायरेक्टली होम बटन पे टैप कर देंगे, गेम को बैकग्राउंड में पॉज रख के, और चले जाएंगे हमारे शॉपिंग एप्स में, चला लेंगे Amazon को। ओके, तो Amazon पहले लोड हुआ M30S में, वापस चले जाते हैं होम स्क्रीन में और चला लेते हैं Flipkart। ओके, तो जैसे आपने देखा Flipkart भी अगेन M30S में थोड़ा पहले लोड हो गया, तो अगेन चले जाते हैं होम स्क्रीन में और फाइनली चलाते हैं Asphalt 9। इसे चला के देखते हैं कि किस में पहले लोड होता है Asphalt की मेन मेन्यू। दोस्तों Asphalt पहले लोड हो गया Z1 Pro में, जहां पर 2-3 सेकंड के बाद अभी लोड हुआ Galaxy M30S में। ओके, तो फाइनली यहां से चले जाते हैं वापस होम स्क्रीन में, और यहां पर मल्टीटास्किंग विंडो में जैसे आप देख सकते हैं कि हमने पूरे टेस्ट के टाइम सारे एप्लीकेशंस को बैकग्राउंड में रखे थे, ताकि अभी हम देख पाए दोनों फ़ोन में से किसकी रैम मैनेजमेंट है बेटर। तो रैम मैनेजमेंट स्टार्ट करते क्लॉक ऐप में जाके, और ये स्टॉपवॉच अभी भी दोनों फ़ोन में चल रहा है। नेक्स्ट चलते फ़ोन ऐप पे। ओके दोस्तों, फ़ोन ऐप M30S में रनिंग है। नेक्स्ट है कैमरा भी रनिंग है सिर्फ M30S में। वापस चले जाते हैं होम स्क्रीन में और चला लेते हैं ट्विटर, और दोस्तों ट्विटर को दोनों ने ही रिस्टार्ट किया है। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम को भी अगेन ट्विटर की तरह दोनों ही फ़ोन ने रिस्टार्ट किया है। नेक्स्ट है फेसबुक। ओके, तो फेसबुक भी अगेन रिस्टार्ट हुआ है दोनों फ़ोन में। नेक्स्ट है गूगल मैप्स, और दोस्तों मैप्स भी अगेन रिस्टार्ट हुआ जैसे आपने देखा। ओके, प्रीमियर क्लिप भी रिस्टार्ट हुआ है अगेन दोनों ही फ़ोन में। ओके, तो नेक्स्ट हम चले जाते हैं सबवे सर्फर्स में। ओके, तो सबवे सर्फर्स की रिज्यूम ऑप्शन हमें दोनों में से किसी में भी नहीं मिला है, मतलब सबवे सर्फर्स भी अगेन रिस्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है पबजी। दोस्तों जैसे आपने देखा पबजी भी अगेन रिस्टार्ट हुआ दोनों फोन में। ऑलराइट, नेक्स्ट है अमेज़न भी रिस्टार्ट हुआ दोनों फोन में। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट, और दोस्तों फ्लिपकार्ट रनिंग है दोनों ही फोन में। नेक्स्ट Asphalt 9, और Asphalt सिर्फ रनिंग है M30S में, जहां पर Z1 Pro ने Asphalt को रिस्टार्ट किया है। दोस्तों ओवरऑल अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो जैसे हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस में, कह सकता हूँ हर एक एप्लीकेशन दोनों फ़ोन में नियर टू सेम टाइम पे लोड हुआ, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर हम बहुत ही पिकी होकर देखते हैं, फिर भी आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। दोनों फ़ोन की ऐप लोडिंग टाइम काफ़ी हद तक सिमिलर है, पर अगर बात करें रैम मैनेजमेंट की, तो मुझे वहाँ पर लगा कि रैम मैनेजमेंट थोड़ा बेटर है Galaxy M30S में, जहाँ पर दोनों ही फ़ोन में सेम 4GB का रैम है, पर M30S का रैम मैनेजमेंट मुझे थोड़ा बेटर लगा अगर हम कंपेयर करें Z1 Pro से। दोस्तों ओवरऑल अगर आप दोनों में से किसी भी एक फ़ोन को खरीदने का सोच रहे, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से इन माई ओपिनियन दोनों ही फ़ोन का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, और हम बहुत ही जल्दी M30S का डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू करेंगे, जिसमें आपको इस फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाएगा। पर दोस्तों अभी तक हमने जैसे देखा कि परफॉर्मेंस M30S का बहुत ही बढ़िया है, और उसके साथ रैम मैनेजमेंट भी काफ़ी हद तक बेटर है फ्रॉम Z1 Pro। ऑलराइट दोस्तों, यही था हमारा स्पीड टेस्ट और रैम मैनेजमेंट टेस्ट Vivo Z1 Pro और Samsung Galaxy M30S के बीच पर। नाउ आप हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, स्पीड टेस्ट, रैम मैनेजमेंट या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से Z1 Pro बेटर है या फिर Samsung Galaxy M30S। और यही था आज के वीडियो को, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।